कर्नाटक के हुबली स्थित धारवाड़ पहुंचे जेपी नड्डा ने एक सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस का 70 साल का शासन केवल विभाजन पर आधारित रहा है, वह बांटते बांटते बट गए। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा नेता के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा को ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, जेपी नड्डा अपना ऐतिहासिक ज्ञान सुधारे और इस तरह की बात करना बंद करे। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं जेपी नड्डा से कहना चाहता हूँ कि वह अपने इतिहास के ज्ञान पर काम करे और इसे बढ़ाए। कांग्रेस के आप 70 साल देख लीजिए, डिवीजन 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 एंड डिवीजन, समाज को जितना बांट सकते हो बांट लो, नॉर्थ साउथ, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर पर जितना बांट सकते हो बांटो। और सच्चाई ये है, फैक्ट रिमेन्स, दैट बांटते बांटते खुद बढ़ गए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हाउ थिंग्स चेंज। नाउ हियर इज भारतीय जनता पार्टी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी रिस्पेक्ट रीजनल सेंटिमेंट्स बट एट द सेम टाइम नेशनल एस्पिरेशंस इज ऑलवेज टेकन टू कंसिडरेशन। पहली बात तो है कि जेपी से कहना चाहूंगा अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। यदि 70 साल यदि 1947 से करें तो समझ लीजिए 70 साल कब होता है। यदि पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो समझ लो 70 साल 2022 में समाप्त होता है। तो 70 साल में बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल के भी जोड़ लिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल जोड़ लिए हैं, मुरारजी देसाई, चरण सिंह और चंद्रशेखर देवगौड़ा जी के सबके सरकारों को उन्होंने जोड़ लिया है। कांग्रेस इन सालों में 55 साल ही सरकार में रही है और जो निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली बने, बिजली पहुंच रहा है, विद्युत गृह बने हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे बने, भाखड़ा नंगल बांध बने हैं, एम्स बने हैं, ट्रिपल आईटी बने हैं, इन सबको इनकार कर रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने पुरखों ने जो मेहनत की उसको ये लोग इनकार कर रहे हैं। पहले कितना सीमेंट बनता था, कितने स्टील उत्पादन होता था, आज कितने गुना हो गया। पहले यह है कि 34 करोड़ लोगों के लिए भोजन के लिए अनाज नहीं था। हमारे किसानों ने मेहनत करके, कृषि वैज्ञानिकों ने मेहनत करके उत्पादन आज इतना बढ़ा दिया है कि 3 साल भी सूखा पड़ जाए हिंदुस्तान में तो उसके लिए अनाज की कमी नहीं होगी। तो क्या उस मेहनत को इनकार कर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, वैज्ञानिकों के, इंजीनियरों के, डॉक्टरों के, सबके मेहनत को इनकार कर रहे हैं। और ये कहते हैं केवल 2014 में ही जो कुछ हुआ देश में 2014 के बाद हुआ है। तो ये मूर्खतापूर्ण बात न करे नड्डा जी, अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी कम से कम उसको इनकार नहीं करना चाहिए। इतना भक्ति न करे मोदी जी का कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो उपलब्धि है उसको भी इंकार कर दे।